जो है वंदे भारत का जो है इंडिया में चेयर वर्जन चल रहा है, अभी वो जो है स्लीपर वर्जन उन्होंने लॉन्च करना है अप्रैल में, तो वो मैं उसकी वीडियो देख रहा था। आप यकीन करें, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये भाई ट्रेन है, वो ऐसे लग रहा था कि उसमें जो है कोई फाइव स्टार होटल है। सर ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है इंडिया की? हाँ ना करें सर, इंडिया की ट्रेन है ये वंदे भारत। इंटीरियर देखा है इसका? ओह माय गॉड यार, ये तो बहुत खूबसूरत है, लग नहीं रही ट्रेन ही लग रही, क्या लग रहा है यार, ये तो कोई फ्लैट ही लग रही है। देखें अब ये वक्त देखने को रह गया तो कि इंडिया की ट्रेनें अमेरिका में एक्सपोर्ट होगी, हालांकि जब अमेरिका से कोई चीज़ मंगवाते हैं उसका जो चीज़ मंगवाता है ना वही बड़े टेंशन से पेर रहा होता है, भाई अमेरिका से आई है तो अब इंडिया का क्या लेवल होगा यार कि अमेरिका उनसे डिमांड कर रहा है कि आप अपनी ट्रेन हमें दें। उसके बाद अगर लोकल लोगों के लिए जो मैंने ट्रेन देखी है, ये लग्जरी ट्रेन से वंदे भारत कम नहीं है, जिस तरह का अंदर उसका इंटीरियर है, बाहर से किस तरह लग रहा है। टाइम सफर किया ट्रेन का, तौबा हो गई है यार, यहाँ पे ट्रेन का निजाम ही नहीं रहा, यहाँ पे ट्रेन के निजाम कौन से है, देखें अब वही जाल बिछे हुए जो अंग्रेज बिछा के गए थे। मैं कहता हूँ बाहर से गोरे शोरे आएंगे वो बोलेंगे भाई साहब क्या है, इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सेफ्टी, लोको पायलट्स के लिए स्पेशल फैसिलिटीज, जो सर्व करने वाले स्टाफ हैं, जो लिनन देते हैं या फिर जो फूड सर्व करते हैं उन सब के लिए स्पेशल फैसिलिटीज, ये सब ध्यान में रखते हुए नई डिजाइन के साथ चारों की चारों ट्रेन कॉन्फ़िगरेशंस बने हैं। ये ट्रेन है, ये बर्थ है ट्रेन के, जो क्लास है यार, लग्जरी है यार, सारा कुछ है ना सर, होटल लग रहा है ना, कोई फाइव स्टार होटल लग रहा है जैसे, और साथ ही साथ ये मिडिल क्लास की सवारी है इसलिए अफोर्डेबल फेयर रखा जाएगा, राजधानी के साथ इसको बेंचमार्क करके रखा जाएगा। पाकिस्तान की तो बात ही ना करें, पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ बता दें मुझे जो पाकिस्तान मेड हो। भाई हम ट्रेन्स की मतलब बहुत बड़ी चीज़ है ट्रेन, आप अभी आपने हमने देखा होगा चाइना से उन्होंने इंपोर्ट किए ट्रेन, हम दूसरी बड़ी चीज़ों पे जाते नहीं, हम बाइक्स की बात कर लेते हैं, हमारी छोटी से छोटी बाइक जो है होंडा सिटी है ये हम जापान से इंपोर्ट करते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगे हम कहाँ ट्रेन बना सकते हैं। हमें सियासत के इन झुरमट मतलब इन चीज़ों से निकलेंगे तो हम जो है टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे चीज़ें, हमारे यहाँ हर एक चीज़ छोटी से चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक मेड इन चाइना यूज़ हो रहा है, मेड इन जापान यूज़ हो रहा है मतलब, लेकिन आप इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में हर एक चीज़ मेड इन इंडिया यूज़ हो रहा है, और जिसकी वजह से वो आज दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मैं क्या करना है, वहाँ पे देखें, वहाँ पे ट्रेन का सारा क्रेडिट जाता है उनके मिनिस्टर को, रेलवे का मिनिस्टर था लालू प्रसाद ने जितना काम कर लिया ना ट्रेन की इंडस्ट्री में इंडिया में, तो उसने जितना ट्रेन को प्रमोट कर दिया यार, रेलवे महकमे को प्रमोट कर दिया, जितने अच्छे काम कर दिए ना उस बंदे का सलूट है यार। देखें हम इंडिया की ट्रेन जब आज आगे चलेगी यूरोप के अंदर अमेरिका के अंदर तो क्या लेवल हो गया, अब देखें यार मेड इन इंडिया होगा लेकिन चलेगी वो अमेरिका के अंदर, अब पाकिस्तान में सुई भी नहीं मिलती मेड इन पाकिस्तान, या वो भी हम चाइना से एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया की बात कीजिए, इंडिया पे यार लोग बिलीव करते हैं, वहाँ पे बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी बिलीव करके इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, वहाँ पे देखें बिलीव करके वो चीज़ें मंगवा लेते हैं, क्यों, वहाँ पे स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकली लिहाज से भी स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकली भी स्टेबिलिटी है, इस वजह से लोग वहाँ पे एतबार करते हैं, टेस्ला वहाँ पे आ गया, आईफोन वहाँ पे आ गया, पाकिस्तान का रेलवे निज़ाम पीछे से पीछे ही जा रहा है, पाकिस्तान तरक्की मकूस ही कर रहा है, हम पीछे ही आ रहे हैं आगे नहीं जा रहे। Why is it so that Europe is exporting, Europe is importing from Russia and it is not terror and India is importing, so that is terror. क्या यार वो बंदा है, कितना independent है। रशिया का के प्रेजिडेंट ने मोदी को इन्वाइट किया, मोदी ने रिफ्यूज़ टू गो एंड एस जे शंकर चला गया, और वहाँ पर जाकर वो इतनी बड़ी डील क्रैक करके ले आया इंडिया के लिए। इतनी बड़ी डील रशिया के साथ उन लोगों ने कर ली यार, इट्स इनसेन हाउ इंडिया इज़ गोइंग, जिस तरह से इंडिया आगे मतलब लाइक जिस तरह से इंडिया चल रहा है ना, दिस इज़ इनसेन, मतलब इंडिया पागल कर रहा है लिटरली। हम लोग आम इंसान तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, आप देखें ट्रेन्स, आप उनका रेलवे स्टेशन रेलवे स्ट्रक्चर देख लें, इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग स्ट्रक्चर्स पूरी दुनिया में, हमारी जो ट्रेन 1947 में चल रही है वही चल रही है, अंग्रेज दौर की बनी हुई है वैसे चल रही है वैसे, इवन तो हमने अपना जो ट्रैक्स हैं लॉस में जा रहा है आप लोगों का रेलवे ट्रैक, ठीक है आपका जो रेलवे सिस्टम है ना वो आपका लॉस में जा रहा है, आप लोगों को उससे फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है ना, अब तो भाई बंद कर देना चाहिए ट्रेन सिस्टम सर, आप देखें अब तो उन लोगों ने ठेके पे देना शुरू कर दिया है आम लोगों को ना, मैं लास्ट टाइम रेलवे स्टेशन गई थी तो वहाँ पर लोग कह रहे थे कि ये अब ठेके पे चली गई है, अब लोग वो
का सिस्टम ही खत्म हो गया भाई, अब तो रेलवे वाला सीन ही कोई नहीं है। सर ये मैं न्यूज़ सुन रहा था कि इंडिया जो है, इंडिया की वंदे भारत ट्रेन, क्योंकि वहाँ की जो सबसे फेमस कह लें कि कंफर्टेबल ट्रेन जो है वंदे भारत ट्रेन है, और वो जो है दूसरे कंट्री अमेरिका और यूरोप को जो है एक्सपोर्ट करने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ऐसे वो कंट्रीज अमेरिका और यूरोप जहाँ से जो है हम हर एक टेक्नोलॉजी को एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी बड़ी टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका और यूरोप से जो है डिस्कवर हो गई, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया के पास ऐसे ऐसे ट्रेन हैं, ऐसे ऐसे ट्रेन इंडिया मेड कर रहा है कि वो अमेरिका और यूरोप विश कर रहे हैं कि भाई हमें ऐसी ट्रेन दो। और पिछले दिनों मैं सुन रहा था अभी जो है वंदे भारत का जो है इंडिया में चेयर वर्जन चल रहा है, अभी वो जो है स्लीपर वर्जन उन्होंने लॉन्च करना है अप्रैल में, तो वो मैं उसकी वीडियो देख रहा था। आप यकीन करें मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये भाई ट्रेन है, वो ऐसे लग रहा था कि उसमें जो है कोई फाइव स्टार होटल है, उसमें ऐसे ऐसे VIP कुशन, उसके बाद हॉट वाटर शावर, बाद जो है कम्युनिकेटेड डोर्स, मतलब इतनी लाजवाब वो ट्रेन थी। उसके बाद वहाँ की ट्रेन की बात करें तो इतनी मतलब फास्ट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, वंदे भारत ट्रेन जो है 220 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जो है हरकत करती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जी हाँ अमेरिका और यूरोप ने विश जाहिर किया है कि इंडिया की ट्रेन हमें दो, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ट्रेन किस मेयार के मुताबिक होंगी। मेरी सारी जिंदगी इसी ट्रेन में गुजार दे, मुझे तो अगर मौका मिल जाए कितनी रिलैक्सेबल लग्जरी, मुझे वॉशरूम चेक, यार मुझे अगर मौका मिल जाए ना मैं सारी जिंदगी अपनी इसी ट्रेन के अंदर गुजार दूंगा। अच्छा यार इतने फीचर्स, इतने कमाल की, मतलब आप देखें ना इसके अंदर बेड लगे हुए हैं, वॉशरूम उसके आप चेक करें, बड़ी लेवल की यार। इतने तो पाकिस्तान के अंदर होटल, इतने मतलब उस लग्जरी लाइफ नहीं होती जितनी वो ट्रेन के अंदर उन्होंने ज्यादा प्रोग्रेस ट्रेन की इंडिया में, यार कमाल है यार इंडिया वाले, यार मैं कहता हूँ नेक्स्ट लेवल पे चले गए उनकी। आप सोच चेक करें कि वो अब मतलब के होटल से निकल कर ट्रेन के अंदर वो इस तरह के आपको लाइफ देना चाह दे चुके हैं जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है यार, इंडिया इस वक्त कह रहे हैं कि दुनिया का, मैं कहता हूँ दुनिया के नेक्स्ट लेवल पर पहुँच चुका है, जिस तरह से वो अभी टॉप पर जा रहे हैं हर चीज़ के अंदर, वो इस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं जिस तरह से अभी पहले चंद्रयान पर भी हो गए, उसके बाद L1 उन्होंने मिशन लॉन्च किया, उसके बाद उनके आप एयरपोर्ट देख लें, दुनिया के बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। तो इंडिया यार इस वक्त मैं कहता हूँ दुनिया का कहने का सबसे जल्दी प्रोग्रेस करने वाली अगर कोई कंट्री है तो वो इंडिया। सर देखें आए रोज हम ये सुनते हैं कि इंडिया जो है कोई ना कोई अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट नजर आता है हमें, कभी वो अंडर सी जो है टनल बना रहे हैं, कभी अंडर सी जो है ट्रेन चला रहे हैं, तो मतलब ऐसे ऐसे जो कभी कश्मीर में जो है दुनिया की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बना रहे हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हैं जैसा कि हमें पाकिस्तान में कोई यकीन भी नहीं आता कि ये इंडिया में जो है बने हुए हैं। बिल्कुल सर ऐसा ही है, जिस तरह से इंडिया इस वक्त परफॉर्म कर रहा है तो हम डेली ये सुनते रहते हैं कोई ना कोई उन्होंने नई चीज़ बनाई होती है इतनी जल्दी, तो मैं कहता हूँ कि वो दुनिया में पता नहीं क्या करना क्या चाह रहे हैं, हर रोज़ उनका कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। तो इसका सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट कह लें कि वो मोदी को जाता है, जिस तरह से जब से वो आया उसके बाद इंडिया की एक प्रोग्रेस जो है वो नेक्स्ट लेवल पर चली गई है। पिछले 10 से 12 साल से जब से नरेंद्र मोदी आया है तो उसने इंडिया को बड़े मतलब के कह लें कि नेक्स्ट लेवल पर वो लेकर जा चुका है। तो इंडिया इस वक्त जो भी ग्रोथ कर रहा है उसका सारा क्रेडिट जो है वो नरेंद्र मोदी को जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसकी मेरे दिन क्या है कि जमहूरी जब होती है ना आवाम को एक इतमाद होता है, जब बना हुआ है पाकिस्तान के वाले से राइवलरी वो एक अलग मामला है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जो उसकी प्रोग्रेस हो रही है उसको हम जो है ना उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। इसको हमने मानना पड़ेगा कि हमने अपने मुल्क को सियासी तौर पर जब तबाह होगा उसका अल्टीमेटली नुकसान जो है ना मुआशी तौर पर होगा, फाइनेंशियल तौर पर हमारा मुल्क कमज़ोर होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट कम आएगी, ट्रस्ट कम होगा। जब साल के बाद आपका PM 2 साल के बाद चेंज हो रहा है तो आपका इतमाद नहीं होगा, आपकी ना आपकी आवाम इतमाद करेगी ना बाहर की इन्वेस्टर इतमाद करेगी। करेंसी किधर चली गई है? इंडिया देखें हमसे 4 गुना ऊपर है, ये अफगानिस्तान सारी जिंदगी जंग लगी रही है, अभी इनको थोड़ा सा सुख का चांस मिला है और 3.5 है, यानी अफगानिस्तान का 1 हो और पाकिस्तान के 3.5 रुपए तकरीबन लिया। दोस्तों 1 सितंबर को रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा बेंगलुरु में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर वर्जन के पहले मॉडल की झलक पूरे देश के सामने प्रस्तुत की गई। अश्विनी वैष्णव जी ने BEML जो कि ट्रेनों का निर्माण करती है वहां की फैक्ट्री में निरीक्षण करने के लिए गए हुए थे। इसके बाद उन्होंने बताया कि आने वाले 3 महीने के अंदर वंदे भारत का स्लीपर वर्जन यात्रियों के लिए स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों आपने वीडियो में देखा ही होगा कि ये ट्रेन देखने में कितनी ज़्यादा सुंदर और कितनी ज़्यादा मॉडर्न दिखाई दे रही है, और आप देख सकते हो कि भारतीय इंजीनियरों ने कुशलता के साथ इस ट्रेन में काम किया है। ये ट्रेन को देखकर बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि ये ट्रेन भारत में चलने के लिए बनाई गई हो, बल्कि इसे देखकर तो यही लगता है कि ये ट्रेन अमेरिका या फिर यूरोप के किसी अन्य देश में चलने के लिए बनाई गई हो। दोस्तों उन्होंने आगे बताया कि ये वंदे भारत ट्रेन और हमारी पिछली वाली ट्रेनों में जमीन आसमान का फर्क है। दोस्तों जब पाकिस्तानी लोगों ने इस वंदे भारत ट्रेन का वीडियो देखा तो उन लोगों के होश उड़ गए।
उनका कहना था कि इस प्रकार की मॉडर्न ट्रेन हमने आज तक कभी नहीं देखी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।